हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज मैं फिर से आपके लिए इस बुक की समरी एंड प्रोबेबली इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगी। सो ये लास्ट सेकंड वीडियो है जो हम फिर इस बुक को जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने इसमें से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी हैं। सो इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स बन चुके हैं, आप पहले जाकर उन्हें देखिए, फिर इसको देखना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके पास पहली बार ये वीडियो आ रही है। सो चलिए बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। सो हम आगे बढ़ चुके हैं। अब है यहाँ पर एक पॉइंट है, सबसे अच्छी चीज़ इस बुक की है कि आप इसे कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको वो नया सा ही लगेगा। तो आपको पर्टिकुलर कोई स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है कि एक स्टोरी चल रही है, नहीं। चैप्टर्स वाइज डिवाइडेड है ये 10 चैप्टर्स में, एंड उसमें भी काफ़ी सारे सब चैप्टर्स हैं, छोटे 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 चैप्टर्स हैं। तो कभी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन पीपल रियलाइज दे आर बीइंग लिसन टू दे टेल यू थिंग्स। सो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि अगर आपको किसी को कुछ बताना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लिसनर होना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद को दूसरों की चीज़ें सुननी पड़ेंगी, देन जाकर जो है लोग आपकी बातें सुनेंगे। सो शट अप एंड लिसन, इसमें ये लिखा है इस तरीके से कि शट अप एंड लिसन। सो सबसे पहले आपके लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज एवरी राइटर नोज, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ राइटर यू हैव टू बी अ रीडर फर्स्ट। सो इसमें ये बात की गई है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको जैसे एक आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको पेंटिंग्स को देखना पड़ेगा, पेंटिंग्स को करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक आर्टिस्ट बनेंगे। सो ऐसे ही एवरी राइटर को पता है कि अगर आपको एक राइटर बनना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक रीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। द राइटिंग कम्युनिटी इज फुल ऑफ लेमो पीपल हु वॉन्ट टू बी पब्लिश्ड इन जर्नल्स इवन दो दे डोंट रीड द मैगजीन्स। जो राइटिंग कम्युनिटी है, बेसिकली यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं राइटिंग कम्युनिटी के लिए, कि वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जहाँ पर लोगों को राइटर तो बनना है लेकिन मैगजीन्स में तो आना है, लेकिन वो वही मैगजीन्स नहीं पढ़ते हैं जिनमें उन्हें आना है, वही बुक्स नहीं पढ़ते हैं जिस टाइप की बुक्स उन्हें लिखनी है। सो दीज पीपल डिजर्व द रिजेक्शन दैट दे विल अनडाउटेबली रिसीव एंड नो वन शुड फील सॉरी फॉर देम व्हेन दे क्राई अबाउट हाउ दे कांट गेट एनीवन टू एक्सेप्ट देयर स्टोरीज। सो ऐसे लोगों की बात की गई है कि जो लोग सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, सिर्फ रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो उन लोगों को रिजेक्शन फेस करने की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि जब वो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते तो लोग उनको कैसे अप्रिशिएट करेंगे या फिर उनके स्टोरीज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। आई कॉल दीज पीपल ह्यूमन स्पैम, इनको हम ह्यूमन स्पैम कहते हैं। दे आर एवरीवेयर एंड दे एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। दे डोंट वॉन्ट टू पे देयर ड्यू, दे वॉन्ट देयर पीस राइट हियर राइट नाउ, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू योर आइडियाज, दे वॉन्ट टू टेल योर देयर्स। सो ऐसे लोग जो सिर्फ हर प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, हर जगह पर मिलेंगे, ऐसे लोग अपना काम जो है करना चाहते हैं लेकिन दूसरों की नहीं सुनना चाहते, सिर्फ उन्हें अपना सुनाना चाहते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपने बताना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है। द वर्ल्ड बिकम्स ऑल अबाउट देम एंड देयर वर्क, दे कांट फाइंड द टाइम टू बी इंटरेस्टेड इन एनीथिंग अदर देन देमसेल्व्स। तो जो उनका जो वर्ल्ड है वो सिर्फ उनके काम के आसपास घूमता है, वो दूसरों की चीज़ें नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपनी अपनी बताना चाहते हैं, एंड दूसरों के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि उनके काम को ज़रा टाइम निकाल कर देखें। अगर कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो बड़े आर्टिस्ट के काम को देखें, ये नहीं कि सिर्फ अपने काम करने में लगा पड़ा है। आपको जो है हर एक आर्टिस्ट को, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी पॉडकास्ट सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टाइम से जो काम चलता आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को सुनो। मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन छोड़कर मैं किसी ना किसी पॉपुलर आर्टिस्ट की पॉडकास्ट ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को ग्रैब करना, इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने वासुदेव कामत का वर्क देखा, क्योंकि वो मेरे लिए नए आर्टिस्ट थे, तो मैंने उनकी पॉडकास्ट भी देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ बोली कि एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन एक साथ जाता है आपके काम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि एक्सपीरियंस जो होता है, हमने अभी तक का जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस, वो आपके काम के एक्सप्रेशंस में झलकता है कि किस तरीके का आप काम कर रहे हो। तो ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस गो टुगेदर। नेक्स्ट है, इफ़ यू वॉन्ट फैंस यू हैव टू बी अ फैन फर्स्ट। अगर आपको फैंस चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, तो आपको पहले वो खुद करनी पड़ेगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाई अ कम्युनिटी यू हैव टू फर्स्ट बी अ गुड सिटीजन। अगर आप एक कम्युनिटी के द्वारा खुद को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करे, तो आपको सबसे पहले गुड सिटीजन बनना पड़ेगा उस कम्युनिटी का। इफ़ यू ओनली पॉइंटिंग टू योर ओन स्टफ ऑनलाइन यू डूइंग इट रॉन्ग, यू हैव टू बी अ कनेक्टर। द राइटर ब्लेक ब्लटर कॉल्स दिस बीइंग एन ओपन नोड। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट यू हैव टू गिव, इफ़ यू वॉन्ट टू बी नोटिस यू हैव टू नोटिस। सो बहुत अच्छी लाइन कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी नोटिस यू हैव टू नोटिस अदर थिंग्स, यू हैव टू नोटिस अदर पीपल, यू हैव टू नोटिस द वर्क ऑफ देम। शट अप एंड लिसन वंस इन अ वाइल, बी थॉटफुल, बी कंसिडरेट, डोंट टर्न इन टू ह्यूमन स्पैम, बी एन ओपन नोट। यानी कि दूसरों के काम को देखो, शांति से देखो, सिर्फ अपनी अपनी मत बोलते जाओ, अपना अपना मत दिखाओ, चुप रहो और दूसरे के काम को भी ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक आर्टिस्ट को जरूर पता होनी चाहिए सब चीज़ें। नेक्स्ट है,
वॉट यू वॉन्ट इज टू फॉलो एंड बी फॉलोड बाई ह्यूमन बींग्स हु केयर अबाउट इशूज यू केयर अबाउट. क्या हम एक इंसान क्या चाहता है कि हम उनको फॉलो करें या फिर उनके द्वारा फॉलो किए जाएं जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, जिनकी हमें टेंशन है. दिस थिंग वी मेक टुगेदर, दिस थिंग इज अबाउट हार्ट्स एंड माइंड्स नॉट आई बॉल्स. यानी कि दिल और दिमाग का खेल है, आई बॉल्स का नहीं कि सिर्फ उन्होंने व्यू करके छोड़ दिया. यू वॉन्ट हार्ट नॉट आई बॉल्स. यहाँ पर एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जा रहा है. स्टॉप वरिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल फॉलो यू ऑनलाइन. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की लोगों को टेंशन रहती है आजकल के, स्पेशली आजकल के बच्चों की, हमें हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है. स्टॉप वरिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल फॉलो यू ऑनलाइन एंड स्टार्ट वरिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल हु फॉलो यू. सो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, उसकी क्वान्टिटी पर मत ध्यान दीजिए. डोंट वेस्ट अ टाइम रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट हाउ टू गेट मोर फॉलोअर्स. डोंट वेस्ट टाइम फॉलोइंग पीपल ऑनलाइन जस्ट बिकॉज यू थिंक इट विल गेट यू समवेयर. सिर्फ लोगों को इसलिए मत फॉलो करो कि आपको कहीं जाना है, इसलिए फॉलो करो कि आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा. डोंट टॉक टू पीपल यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू. ऐसे लोगों से बात मत करो जिनसे आपको बात नहीं करनी, सिर्फ ये समझ के कि मेरा फ्यूचर में उसके साथ कुछ फायदा होगा या मेरा फ्यूचर में कुछ ना कुछ लिंक निकल सकता है. नो, एंड डोंट टॉक अबाउट स्टफ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू. ऐसे स्टफ यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात मत करो जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते. ठीक है, इफ यू वॉन्ट फॉलोअर्स बी समवन वर्थ फॉलोइंग. अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आप ऐसे बनिए कि लोग आपको खुद फॉलो करें. हैव यू ट्राइड मेकिंग yourself a more interesting person. यहाँ पर एक question किया गया है कि क्या आपने कभी खुद को interesting person बनाने की कोशिश की है. This seems like a really mean thing to say unless you think of the word interesting. So यहाँ पर interesting का मतलब बताया गया है, interesting is to be curious and attentive. Interesting का मतलब होता है कि curious, लोगों के काम को लेकर curious रहो कि उसने कैसा काम किया, उसने क्या किया, attentive रहो. And to practice the continual projection of interest. और इस चीज़ को आपको practice करना है continuously, interest को. To put in more simply, if you want to be interesting, you have to be interested. अगर आपको सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर इंटरेस्टिंग बनना है तो इंटरेस्टेड होइए, लोगों में इंटरेस्टेड होइए, आपके काम उनके काम में इंटरेस्टेड होइए तो लोग आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे. इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, मुझे ये लाइन बहुत प्यारी लगी. अगर आपको खुद को इंटरेस्टिंग बनाना है तो इंटरेस्टेड बनिए. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल वेस्ट टाइम एनर्जी ट्राइंग टू मेक कनेक्शंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग गुड एट व्हाट दे डू व्हेन बीइंग गुड एट थिंग्स इज ओनली थिंग दैट अर्न्स यू क्लाउड ऑफ कनेक्शंस. यहाँ पर ऑथर बात करते हैं कि आपको ये नहीं है कि बिना काम करे सिर्फ जाकर कनेक्शंस बनाने लग जाना है कि भाई उससे बात करो उससे बात करो. नहीं, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने काम को अच्छा कीजिए, खुद ही अच्छा बन जाइए, लोग आपसे कनेक्ट करने आ जाएंगे. सिंपल, मेक स्टफ यू लव एंड टॉक अबाउट द स्टफ यू लव, यू अट्रैक्ट पीपल हु लव दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो ऐसा स्टफ बनाइए, ऐसी आर्ट कीजिए, ऐसी चीज़ें लिखिए जिस चीज़ को आपको पसंद है करना, तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो उस चीज़ को एडमायर करेंगे, जो उस चीज़ को पसंद करेंगे. तो उसको कंटिन्यूसली करते रहिए, इट्स दैट सिंपल. डोंट बी क्रीपी, डोंट बी जर्क, डोंट वेस्ट पीपल्स टाइम, डोंट आस्क टू मच एंड डोंट एवर आस्क पीपल टू फॉलो यू. फॉलो मी बैक इज द सैडेस्ट क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि क्रीपी मत बनिए, जर्क मत बनिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, दूसरों का टाइम मत वेस्ट कीजिए. एंड फॉलो बैक क्यों नहीं किया, ये एक सैडेस्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर, तो इसको तो बिल्कुल भी मत पूछिए कभी किसी से. एंड ये चैप्टर जो है यहीं पर इसी के साथ समाप्त होता है. नेक्स्ट इसमें बताया गया है, मीटअप इन मीट स्पेस, यू एंड आई विल बी अराउंड अ लॉट लॉन्गर देन ट्विटर एंड नथिंग सब्सिट्यूट फेस टू फेस. यहाँ पर इसमें बात की गई है कि ट्विटर पे चाहे कितनी भी देर रह लो लेकिन फेस टू फेस को कोई भी सब्सिट्यूट नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपने जो भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं आप उनसे मिलिए कभी टाइम निकालकर. आई लाइक आस्किंग माई आर्टिस्ट फ्रेंड टू टेक मी टू देयर फेवरेट आर्ट म्यूजियम एंड आस्किंग माई राइटर फ्रेंड टू टेक मी टू देयर फेवरेट बुक स्टोर. सो ये जो ऑथर हैं ये राइटर भी हैं और ये आर्टिस्ट भी हैं. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मैं अपने आर्टिस्ट फ्रेंड से, जो ऑनलाइन उनके आर्टिस्ट फ्रेंड बने हैं, उनसे टाइम निकाल कर वो उनके फेवरेट आर्ट म्यूजियम में जाकर मिलना चाहते हैं एंड राइटर फ्रेंड से वो उनके फेवरेट बुक स्टोर में जाकर मिलना चाहते हैं. इफ़ वी गेट सिक ऑफ टॉकिंग टू वन अनदर वी कैन ब्राउज एंड इफ वी गेट सिक ऑफ ब्राउजिंग वी कैन ग्रैब अ कॉफी इन द क्राफ्ट इन द कैफे. मीटिंग पीपल ऑनलाइन इज ऑसम बट टर्निंग देम इन टू रियल फ्रेंड्स इज इवन बेटर. तो यहाँ पर ऑथर यही बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कनेक्शंस बनाते हो, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हो, तो सिर्फ उसको ऑनलाइन सीमित मत रखो, उसको ऑफलाइन लेकर जाओ. यानी कि कभी सैटरडे या संडे में कभी टाइम निकालकर उनसे अपने फेवरेट म्यूजियम, अपने फेवरेट बुक स्टोर या फिर अपनी फेवरेट जगह पर मिलने की कोशिश करो एंड उनको जो है रियल लाइफ फ्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. नेक्स्ट यहाँ पर एक कोट लिखा है, द ट्रिक इज नॉट केयरिंग व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ यू एंड जस्ट केयरिंग अबाउट व्हाट द राइट पीपल थिंक ऑफ यू. तो आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको सिर्फ इस चीज़ की परवाह करनी है कि राइट पीपल यानी कि सही लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में. तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़, ये बहुत ही अच्छा कोट यहाँ पर लिखा है. सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड द क्रिएटिविटी इस बुक के अंदर, जो मतलब देखो कवर भी कितना अट्रैक्टिव है,
ठीक है, तो इस बुक के अंदर जो ये राइटिंग से लेकर जो भी इसमें कार्टून्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, जो भी ऑथर ने डायग्राम्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट है बेसिकली। लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं आज, डोंट फीड द ट्रोल्स। अ ट्रोल इज अ पर्सन हु इजंट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर वर्क, ओनली प्रोवोकिंग यू विद हेटफुल, एग्रेसिव और अपसेटिंग टॉक। यू विल गेन नथिंग बाय एंगेजिंग विद दीज पीपल, डोंट फीड देम एंड दे विल यूजुअली गो अवे। सो यूजुअली जब आप थोड़ा सा अपना काम वगैरह शेयर करने लग जाते हो तो कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे मेरा है, मैं एग्जाम्पल दूँ, तो लोग क्या होता है कि कभी कभी जैसे 100 पॉजिटिव कमेंट्स है तो एक नेगेटिव कमेंट्स आ जाता है, तो उन लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। आप अगर ये कर रहे हो, अपना टाइम निकाल कर कर रहे हो, मैं अगर ये काम कर रही हूँ अपना टाइम निकाल कर कर रही हूँ, इसमें मुझे अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर, क्योंकि मुझे ये पसंद है करना, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोग उसको बुरा ले रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने सच में जनरली बता दूँ कि मैंने ठेका नहीं लिया है कि मैं हर एक चीज़ का जवाब दूँ, हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव अ यूट्यूब चैनल, एक्सेप्टेड। सो ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, ये मेरे पर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ, लेकिन लोग इस चीज़ को नेगेटिविटी ले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे कमेंट आया था, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, कि आप व्लॉग्स भी बना रहे हो अपने चैनल पर, आप जो है BFA की तैयारी भी करवा रहे हो, आप अपना आर्टवर्क भी डालते हो। गाइज, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, सो आई विल शेयर वट एवर आई वॉन्ट। इफ अगर आप लोग, अगर ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है कि मैं सिर्फ BFA का रिलेटेड ही कॉन्टेंट बनाऊँ, तो दैट विल बी सो मोनोटोनस फॉर मी एंड दैट विल बी सो बोरिंग फॉर मी। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल लाइफ, आई वॉन्ट टू शेयर माई कॉलेज एक्सपीरियंसिस टुगेदर विद यू, एंड मैं अलग से एक ब्लॉग चैनल बनाऊँ, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसीलिए इसी चैनल पर अपने ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेरी लाइफ को जान पाओ एंड मैं भी आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर पाऊँ। सो दैट इज जस्ट द सिंपल पर्पज। एंड ऑब्वियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, BFA एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। 90% पीपल अभी नहीं जानते कि BFA जैसी कोई डिग्री भी होती है। सो मेरा जो चैनल है या फिर एक आध BFA और चैनल है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने चैनल पर व्यूअर्स को लेकर आने के लिए, बिकॉज इस कोर्स के बारे में किसी को नहीं पता है। एंड जितना भी हम इस पर शेयर करते हैं वो सिर्फ अपनी प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें और जो होती रहती है वो शेयर करते हैं। सो अगर मैं इस पर व्लॉग्स डाल रही हूँ तो इस पर कोई गलत चीज़ नहीं है, एंड उसने इतने हेटफुल तरीके से ये लिखा था कि मुझे वो कमेंट रिमूव करना पड़ा। सो बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसे करते हैं कि एग्रेसिवली शो दिखाते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाओ, ये करो, आप मुझे फोर्स करने वाले होते कौन है, पहले आप मुझे ये बताइए। कमेंट में मैं पूछ रही हूँ उस बंदे से, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, कि आप मुझे कमेंट करने वाले होते कौन है, आपको ये राइट किसने दिया। सो बहुत ही गलत चीज़ है, बट आई यूजुअली इग्नोर। मैंने इस पॉइंट को इसलिए उठाया क्योंकि उसने इन सब चीज़ों को, मतलब वो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ वगैरह देख रहा है एंड ही इज़ ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स। सो हर किसी का अपना अपना होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल मत देखो, अगर आपको आपके लिए जो ज़रूरी है आप सिर्फ वो लो। यूट्यूब पर आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको ग्रैब करो, दूसरे की लाइफ में पॉइंट आउट करने का आपको कोई राइट नहीं है। सो आई होप दैट्स क्लियर। सो यहाँ पर यही लिखा है कि डोंट फीड देम, दे विल यूजुअली गो अवे। तो ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका भी अगर इंस्टाग्राम पेज है, आपका भी यूट्यूब चैनल है, जो छोटे क्रिएटर्स हैं अभी, तो अपने काम से काम रखिए, आप लोग अपने काम पर ही फोकस कीजिए। ऐसे लोग कि अगर शुरू में आपको बोले कि गलत हो रहा है ये, आप क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदा लग रहा है, आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उन पर ध्यान मत दो। नाउ आई हैव बीन ऑन इंटरनेट, सॉरी मैंने अगर अपना पर्सनल इशू घुसा दिया इस बुक की समरी में, बट मैं जस्ट एक बताना चाहती हूँ कि एज अ क्रिएटर अभी से ही ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर बुरा भी लगता है क्योंकि हम मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है BFA एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं ना कि बहुत ऐसा पॉपुलर टॉपिक है, तो ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड ऐसे व्यूअर्स हैं जो उसको देखते हैं, तो हम अगर उसमें थोड़ा सा एडिशनल कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। सो नाउ आई हैव बीन ऑन द इंटरनेट अ लॉन्ग टाइम, आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स फ्रॉम पीपल हु आर, एज फार एज आई कैन टेल देम, सेट ऑफुल और कम्प्लीटली इनसेन। मतलब ऑथर बता रहे हैं कि मेरे को इतने सारे ईमेल्स आते हैं इंटरनेट पर, ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं लोग जो बहुत दूर है, जो मुझे जानते भी नहीं है, कम्प्लीटली इनसेन। आई हैव अ प्रिटी गुड मेंटल फायर वॉल दैट फिल्टर्स व्हाट आई लेट गेट टू मी। सो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेंटल फायर वॉल है, वो फिल्टर करके जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं उनके तक भेज दे, यानी कि ऐसे कॉमेंट्स, नेगेटिव कॉमेंट्स तक वो उन तक जाने ही नहीं देते। एंड सीरियसली, जब आप एक खुद इस लेवल पर पहुँच जाओगे तो आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स द वर्स्ट ट्रॉल इज द वन दैट लिव्स इन योर हेड। सो एक जो वर्स्ट ट्रॉल होता है वो आपके दिमाग में रह जाता है, द वॉइस दैट टेल्स यू यू आर नॉट गुड इनफ, दैट यू सक एंड यू नेवर अमाउंट टू एनीथिंग, इट्स द वॉइस दैट टोल्ड मी आई नेवर राइट अनदर गुड वर्ड आफ्टर बिकमिंग अ फादर। सो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जब
ऑथर ने ये बुक लिखी, तो यहाँ पर ना एक लेडी ने उनको कहा था कि तुम्हारे पास किड्स नहीं है ना, तो तुमने इसलिए बुक बहुत इजीली पब्लिश कर ली, रात में 3 बजे बच्चा रो रहा है तब तुम बुक पब्लिश करके दिखाना। तो यहाँ पर जो है ऑथर यही कह रहे हैं कि उनको ये ट्रॉल ना दिमाग में चला गया उनके दिमाग में कि क्या वो कभी फादर बनने के बाद एक अच्छी बुक राइट कर पाएंगे या नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके दिमाग में चली जाती हैं, इट्स अ वन थिंग टू हैव द ट्रॉल इन योर ब्रेन, इट्स अनदर थिंग टू हैव अ स्ट्रेंजर होल्ड अ मेगाफोन अप टू एंड लेट इट शाउट। यानी कि एक तरीके से एक स्ट्रेंजर आपके दिमाग में बैठकर वो चिल्ला रहा है बार बार कि आप ये नहीं कर सकते नहीं कर सकते। इफ समवन टुक अ डंप इन योर लिविंग रूम यू वुडंट लेट इट सिट देयर वुड यू, नेस्टी कमेंट्स आर द सेम, दे शुड बी स्कूप्ड एंड थ्रोन इन ट्रैश। सो यही यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं ना उनको ट्रैश में डालो, सीधा सीधा उनको ट्रैश में डालो। और अगर आपके घर में कोई गंदगी चीज़ बैठ जाती है तो आप उसको घर में नहीं रखते ना, ऑब्वियसली ऐसे ही आप उसको डिलीट करो, कमेंट को डिलीट करो, घर से गंदगी को साफ करो, सिंपल चीज़। नेक्स्ट बस लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं, वो अगली वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। एंड गाइज, आपको ये वीडियो समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है हमेशा की तरह। एंड बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके बताइए वीडियो की समरी कैसी लगी है।